हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीषा दुबे मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज हम फिर से जानेंगे डायबिटीज़ के बारे में, जो कि बहुत ही तेज़ी से ऑल ओवर इंडिया में फैलता जा रहा है। हमने पिछले प्रीवियस वीडियो में देखा कि डायबिटीज़ क्यों होता है, इसके क्या क्या लक्षण हैं, ये कितने टाइप के होते हैं। मैंने कुछ होम्योपैथी कॉम्बिनेशन के बारे में भी आप लोगों को बताया है, तो आप मेरे पिछले वीडियो में जा करके आप देख सकते हैं। तो आज हम जानेंगे कि डायबिटीज़ के कितने तरह के टेस्ट होते हैं और होम्योपैथी कुछ मेडिसिंस के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। अभी ऑल ओवर इंडिया में दोस्तों डायबिटीज़ के केस बहुत देखने को मिल रहे हैं और पूरे वर्ल्ड वाइड में इंडिया डायबिटीज़ कैपिटल बन चुका है। तो इसका रीज़न दोस्तों कहीं ना कहीं हमारी लाइफ स्टाइल से जुड़ा हुआ है, हमारी खाने पीने की आदतों से जुड़ा हुआ है, जैसे कि एक्सरसाइज की कमी होना, डाइट प्रॉपर नहीं लेना, जंक फूड ज़्यादा लेना, बहुत सारे रीज़न है दोस्तों जिसकी वजह से हमको आज समय में डायबिटीज़ देखने को मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों आज हम जानेंगे कि ब्लड शुगर टेस्ट कितने तरह के होते हैं। तो दोस्तों ये टेस्ट मेनली 3 तरह के होते हैं, फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट, पोस्टप्रांडल ब्लड शुगर टेस्ट एंड तीसरा होता है HbA1c टेस्ट। फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट दोस्तों ये मेनली 8 घंटे भूखे रहने के बाद ये टेस्ट किया जाता है। ओवरनाइट आप 8 घंटे भूखे रहेंगे, कुछ खाना पीना नहीं है, तो ये मॉर्निंग में ये टेस्ट किया जाता है दोस्तों। और इसका नॉर्मल रेंज होता है 100 mg/dL से। अगर आपका रेंज कम आता है तो आप डायबिटिक नहीं हैं, लेकिन अगर इसका रेंज इससे अधिक आता है या फिर 125 तक हम इसको नॉर्मल भी ले सकते हैं, लेकिन इससे अधिक होता है तो फिर आप अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए कि आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है। दूसरा है दोस्तों पोस्टप्रांडल ब्लड शुगर टेस्ट। ये मेनली 2 घंटा खाना खाने के बाद ये टेस्ट किया जाता है दोस्तों। आपको 2 घंटा खाना खाने के बाद आपके बॉडी में देखेंगे कि ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना है, और इसका नॉर्मल रेंज होता है दोस्तों 140 mg/dL। अगर इससे अधिक पाया जाता है तो आपके में डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो इसके लिए फिर आगे आप अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। और एक होता है दोस्तों HbA1c टेस्ट। ये मेनली आपके 3 मंथ का एवरेज ब्लड शुगर लेवल को बताता है, और आपको एवरेज 3 मंथ में आपके बॉडी में कितना ब्लड शुगर लेवल एवरेज है ये आपको रेंज बताता है। तो मेनली अप टू 6 पाया जाता है नॉर्मल रेंज। अगर इससे अधिक पाया जाता है तो आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो आप भी अपने डॉक्टर से इसके लिए सलाह लीजिए। प्रीवियस वीडियो में हमने जाना दोस्तों कुछ होम्योपैथी मदर टिंचर के कॉम्बिनेशन के बारे में, जो कि डायबिटीज़ कंट्रोल करने में हेल्प करती है। और इस वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों कुछ होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में। वैसे तो दोस्तों होम्योपैथी में मेडिसिन पेशेंट के अकॉर्डिंग टू सिम्टम दी जाती है, लेकिन हम आज कुछ स्पेसिफिक होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहली मेडिसिन है दोस्तों इंसुलिनम 200। ये मेडिसिन दोस्तों आपको हफ्ते में सिर्फ 1 ही बार देना है पेशेंट को, वो भी मान लीजिए संडे टू संडे मॉर्निंग में खाली पेट ये मेडिसिन की 1 डोज लेनी है। दूसरी मेडिसिन है दोस्तों चिनोनेंथस वर्जिनिका। ये मेडिसिन दोस्तों प्री डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है, और इसको 2-2 ड्रॉप दिन में 3 बार सुबह, दोपहर और रात में खाली पेट दिन में 3 बार आपको देना है। तीसरी मेडिसिन है दोस्तों साइजेजियम जैम्बोलिकम मदर टिंचर, जिसका एक कॉम्बिनेशन मैंने पिछले वीडियो में बताया था। और ये मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव है डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, और ये मेनली जामुन के बीज से बनाया जाता है दोस्तों। तो ये मदर टिंचर आपको दिन में 3 बार सुबह, दोपहर और रात में 20-20 ड्रॉप्स आधा कप पानी में दिन में 3 बार खाना खाने से आधा घंटा पहले ये मदर टिंचर आपको लेना है। चौथी मेडिसिन है दोस्तों आर्सेनिकम एल्बम। इसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, बहुत ज़्यादा भूख लगती है, बहुत ज़्यादा पेशेंट टेंशन लेता है, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा रहती है उसको, उस कंडीशन में हम इस मेडिसिन को देते हैं। एक मेडिसिन है दोस्तों यूरेनियम नाइट्रिकम 3x। इसके 2-2 टैबलेट सुबह, दोपहर और रात में देने से पेशेंट को डायबिटीज़ कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है। तो ये थी दोस्तों कुछ होम्योपैथी में डायबिटीज़ कंट्रोल करने की मेडिसिन। पर कोई भी मेडिसिन आप अपने खुद से ना लें, मैं यही सलाह दूंगी, जो भी मेडिसिन है आप अपने पास के डॉक्टर के सलाह से ही लीजिएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि क्या डायबिटीज़ के पेशेंट को क्या लेना चाहिए डाइट में और क्या नहीं लेना चाहिए। तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाले नेक्स्ट वीडियो के बारे में जानकारी मिल सके। तो घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।